हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए नरगिश कबाब की रेसिपी, जो बहुत ही करारी सी होती है, कुरकुरी सी होती है और सभी का फेवरेट होता है। मेरे घर में तो ये सभी का फेवरेट है और इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये बहुत ही पसंद आएगा। और मैंने इसमें एक नहीं बल्कि दो दो मैंने कबाब बनाए हैं। एक वीडियो में आप लोगों को दो दो रेसिपी मिलेगी। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो मैंने कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 150 ग्राम मैंने मसूर की दाल ली, ये लाल मसूर की दाल है। इसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था अच्छे से। आपके पास अगर टाइम नहीं तो आप 4 से 5 घंटे भी भिगो सकते हैं, फिर इसको अच्छे से आप ग्राइंड में पीस लें। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से पेस्ट इसका बना लिया है, एकदम बारीक सा बनाइएगा। अब मैंने कुछ मसाले, खड़े मसाले लिए, जिसमें मैंने 4 सूखी मिर्च ली है, 3 मेरे छोटी इलायची ली है, 5 से 6 मैंने लौंग लिया है और बिल्कुल थोड़ा सा एकदम जावित्री का फूल है, 10 से 12 मैंने काली मिर्च ली है और ये खड़ी धनिया मैंने 2 चम्मच भर कर लिया है, 1 छोटा चम्मच सौंफ का है और 1 बड़ा चम्मच जीरा का है। अब इन सभी मसालों को हमें बिल्कुल लाइट लो फ्लेम पे हमें रोस्ट कर लेना है। ये हमारे कबाब का मसाला है तो हमें बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से इसको रोस्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा मत करिएगा वरना हल्का सा कड़वापन आ जाएगा आपको। मीडियम में जब इसकी खुशबू आने लगे तो समझ लीजिए बस हो गया। अब ठंडा करके मैंने इसमें मोटा सा पीस लिया है, देखिए बस इतना ही इसका रहेगा, इतना ही मोटा रहेगा। तो मैंने एक बाउल लिया है, अब उसमें मैंने दाल लिया है, दाल का पेस्ट उसमें लीजिए। फिर ये मैंने कीमा लिया है, 150 ग्राम कीमा है, जितना दाल रहेगा उतना ही कीमा रखिए, पर कोशिश करिएगा आप कीमा थोड़ा पतला ही रखिएगा, मेरी जैसी गलती मत करिएगा। मेरा यहाँ कीमा थोड़ा मोटा है। और ये मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था जिसको मैंने चॉप कर लिया था, 2 हरी मिर्च थी। अब ये मैंने मसाले को ऐड कर दिया है। अब अच्छे से हमें, और ये मैंने बिल्कुल 1 चम्मच मैंने ये लिया हुआ है, 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया हुआ है बेसन का, इससे बहुत अच्छे से बाइंडिंग होती है तो आप इसको ज़रूर लीजिएगा। 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लगभग 1.5 चम्मच लिया है। अब अच्छे से इसको हमें मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छे से मिक्स करिए। आप जिससे कंफर्टेबल हो, आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं और चम्मच से भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से पेस्ट बना लिया था। अब मैंने यहाँ पर 4 अंडे लिए हैं। अब अंडे को हमें सबसे पहले ये चीज़ करना मत भूलिए, ज़रूर आप इसको फॉक कर दिया करिए, छेद इसके अंदर होल्स करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैंने होल्स कर दिए 4 अंडे में, 4 अंडे लिए थे मैंने। अब इस पर हमें इसका बहुत अच्छे से हमें पतला सा पूरे अंडे को हमें इसको रैप कर, इसका रैप कर देना है। बहुत मोटा मत करिएगा, पतला ही करिएगा। तो देखिए बहुत अच्छे से आप हल्के हाथों से करें, बहुत ही आसानी से ये हो भी जाता है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और देखिए मैंने 4 अंडे लिए थे, चारों को मैंने बहुत अच्छे से रैप कर दिया है पूरे अंडों को। अब यहाँ पे फ्लेम मेरा मीडियम है और तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम अंडों को फ्राई करते हैं। अंडे को बहुत आराम से आप रखिएगा, वरना क्या होता है कि थोड़े से जलने के भी होते हैं, इसलिए हैवी होता है, तो इस वजह से आराम से रखिएगा। जब भी तेल में डालिएगा तो बहुत ही आराम से डालिएगा। देखिए इसको बहुत अच्छे से आपको गोल्डन फ्राई कर लेना है, बहुत अच्छे से आप करिएगा। दोनों दो एक चम्मच और ले लीजिएगा, फिर उसकी हेल्प से आप उसको पलटिएगा ताकि छींट उठ ना पड़े तेल का। तो देखिए मैंने चारों तरफ से बहुत अच्छे से मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया है। तो ये हमारा नरगिश कबाब बन गया है, देखिए कितना क्रिस्पी सा लग रहा है दिखने में ही। तो ये हमारा इतना पेस्ट ये बच गया है, ये जो होता है दाल का ये बच गया। अब इसका हम कबाब बना लेते हैं। कबाब बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बनाना है, बस टिकिया जो होती है वैसे ही आपको बना लेना। आप कोई भी शेप का बना सकते हैं, पकौड़ी की तरह भी बना सकते हैं। तो जो आपका बचे आप चाहे तो इसको फ्रिज भी कर सकते हैं, फ्रिज में रख दीजिए और 2-3 दिन आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रीज़र में नहीं रखना है आपको, फ्रिज में ही रखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कबाब भी फ्राई कर लिए हैं। कबाब भी इसके बहुत ही टेस्टी होते हैं, एकदम क्रिस्पी सा होता है, यकीन मानिए आप लोग अपने घर में बनाइए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो देखिए कितना क्रिस्पी सा हमारा नरगिश कबाब बना है। अब इसको हम देखिए कट करके देख लेते हैं, एकदम कुरकुरी सी ये होती है। देखिए अंदर से ये हमारा कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, और कितनी पतली कोटिंग है इसकी।
बहुत मोटा मत करिएगा, ज़्यादा मोटा रहता है तो फिर वो थोड़ा सा कच्चापन सा आ जाता है। अब उस पर आराम से आप हरी चटनी लगा दीजिए और ऊपर से थोड़े से प्याज रख दीजिए और इन्जॉय करिए अपनी फैमिली के साथ में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।